17 जनवरी 2007 यूपी के इतिहास में यह रात सबसे काली रातों में से एक मानी जाएगी। ये वो रात जब इलाहाबाद के करेली में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। करेली के बाहरी इलाके महमूदाबाद में मदरसा हुआ करता था, जहां इलाहाबाद और आसपास के गरीब घरों की तमाम लड़कियां शिक्षा हासिल करने आती थी। मदरसे में लड़कियों का एक हॉस्टल भी था। 17 जनवरी देर रात 3 बंदूकधारी इस हॉस्टल में घुस आए। पहले तो लड़कियों के साथ गाली गलौज की और धमकी देकर उनके नकाब उतरवाए। उसके बाद ये हैवान उनमें से 2 लड़कियों को उठाकर बगल में नदी के किनारे ले जाते हैं। दरिंदों ने दोनों लड़कियों को नोचा खसोटा। वो लड़कियां रहम की भीख मांगती रही, लेकिन शैतानों का दिल नहीं पसीजा और अगली सुबह होने से पहले ये लड़कियां लहूलुहान हालत में मदरसे के दरवाजे पर फेंक दी गई। उस समय यूपी में मुलायम सिंह की सपा सरकार थी, जिसने अगले दिन इस शर्मनाक कांड को छिपाने की पुरजोर कोशिश की। ये जानकर कि ये गैंगरेप है, पुलिस ने भी छेड़खानी की FIR ली। जब खबर अखबार में छपी तो बड़ा कांड होने का सच सामने आया। बता दें कि इस इलाके का सांसद सपाई गुंडा अतीक अहमद हुआ करता था और अतीक के ही गुर्गों पर इस कांड का आरोप लगा था, जिनको इस धूर्त ने पूरी तरह बचाने की कोशिश की। वहीं अतीक जैसे बाहुबली को संरक्षण देने का काम किया था समाजवादी पार्टी ने। ये पार्टी गुंडों की पार्टी, जिसकी खराब कानून व्यवस्था ने न सिर्फ 2 बेटियों की जिंदगी तबाह की, बल्कि इस दरिंदगी के आरोपियों को भी सजा नहीं दे पाई। सपाइयों के लिए लाल टोपी, महिलाओं के लिए रेड अलर्ट, उनसे खुद को और पूरे यूपी को बचाने का रेड अलर्ट।